नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पहली बात तो मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मैं जो भजन डालती हूँ आप लोग पसंद करते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, मुझे कमेंट्स भी करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक और बहुत प्यारा भजन जो कि मेरे पापा ने लिखा है, और ये मेरा दूसरा भजन है जो कि मेरे पापा ने लिखा है। इसके अलावा भी मैंने आपके सामने भजन प्रस्तुत किए हैं। पहला भजन मेरा बूढ़े बंदर था जो कि मेरे पापा ने लिखा था, और उस पर मेरे को बहुत अच्छे लाइक्स मिले और कमेंट्स भी मिले और लोगों ने बहुत पसंद किया। आज मैं आपको ये दूसरा भजन सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ना सुर है ना सरगम है। ये भी मेरे पापा ने लिखा था, और मैं चाहती हूँ कि ये भजन मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। आपको बहुत पसंद आए और आप इसको आगे भी शेयर करें। आप लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा कौन सा भजन सबसे ज्यादा पसंद आया। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे कि मैं आगे जो भी भजन गाऊं तो मेरे को थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि किस टाइप के भजन आपको पसंद आते हैं, मैं उस टाइप के भजन आपके सामने लेकर आऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा आज का गाना, ये वाला भजन। हाँ, इस भजन में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। इस भजन में मेरे पापा ने हनुमान जी के ऊपर ये भजन बनाया है, और उन्होंने उसमें हनुमान जी के लिए बाबा शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बाबा शब्द हम भगवान को बोलते हैं, जिसमें हम श्याम जी, जो खाटू श्याम जी महाराज हैं, उनको भी हम बाबा बोलते हैं, कृष्ण महाराज को भी हम बाबा बोलते हैं। ऐसे ही हनुमान जी के लिए ये भजन है, उनको हमने बाबा शब्द से उन्होंने उनका प्रयोग किया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये भजन। देखिए, इतनी गर्मी में मैं भजन बना रही हूँ, गा रही हूँ, क्योंकि पंखे की आवाज से वीडियो खराब हो सकती है, आपको भजन शायद नहीं अच्छे से सुनाई देगा। तो मुझे बस थोड़ा सा ये सपोर्ट दीजिएगा कि आप लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो, जबरदस्ती नहीं है, और अगर पसंद आए तो फिर आप आगे भी शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आप स्टार्ट करती हूँ। ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बाबा तेरे चरणों में एक पुष्प चढ़ाना है। बाबा तेरे चरणों में एक पुष्प चढ़ाना है। ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। तुम बाल रूप में प्रभु सूरज को निगल डाले। तुम बाल रूप में प्रभु सूरज को निगल डाले। अभी मानी सुरपति के बजरंगी हुए तब से संसार ये जाना है। ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हाँ, सब दुर्ग दहाए करके लंका को जलाए तुम। सब दुर्ग दहाए करके लंका को जलाए तुम। माता की खबर लाए लक्ष्मण को बचाए तुम। माता की खबर लाए लक्ष्मण को बचाए तुम। श्री भरत सहित तुमको श्री राम ने माना है। ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। जब राम नाम तुमने पाया ना नगीनों में। जब राम नाम तुमने पाया this
जग ने देखा कभी राम का दीवाना है, ना सुरी ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी। हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी। मैं दीनहीन चंचल हूँ अभिमानी या ज्ञानी, तुमने जो नजर फेरी फिर कौन ठिकाना है। ना सुरी है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बाबा तेरे चरणों में एक पुष्प चढ़ाना है, ना सुरी है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने ये गाना सुना। प्लीज़ अगर आपको ये गाना पसंद आए, ये भजन पसंद आए हनुमान जी का, तो मेरे को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।